Now today in this video we will start our chapter number 3, politeness. Politeness, all of you know what is politeness. We call it shishtata or vinay in Hindi. जब हम शिष्ट होते हैं, सभ्य होते हैं, हमारी वाणी में विनय होती है, तब उसे हम पोलाइटनेस बोलते हैं. तो कर्टियस और जेंटल नेचर जो होता है वो पोलाइटनेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो जो लोग होते हैं, जो पोलाइट होते हैं, वो सिंपल होते हैं और बहुत होमली होते हैं. उनके अंदर एरोगेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, जिसे हम हिंदी में एरोगेंस मीन्स गर्व या अभिमान. तो जो बच्चे पोलाइट, जो इंसान पोलाइट होता है, सिंपल होता है, उसके अंदर कभी भी अभिमान नहीं होता. ही डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ इम्पॉर्टेंट, और वो अपने आप को कभी भी महत्वपूर्ण नहीं बताता. तो एरोगेंस जो होता है, अभिमान जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति के जो मेंटल पीस होता है, जनरोसिटी होता है, पोलाइटनेस, इवन ह्यूमैनिटी को दबा देता है. दैट इज वाई एन एरोगेंट एंड हॉटी पर्सन कैन नॉट विन पीपल्स हार्ट. इसीलिए कहा जाता है जो लोग अभिमानी होते हैं वो कभी भी दूसरे के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाते. ऑन द अदर हैंड पोलाइट एंड कर्टियस मैन कैन ईजिली विन पीपल ऑफ हिज साइड. और जो पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं, शिष्ट होते हैं, वो आसानी से लोगों के मन में अपना स्थान बनाते हैं. तो कुछ पंक्तियां यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंस ऑफ पोलाइटनेस के लिए कही गई हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए. तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर. तो इस ये जो कपलेट्स हैं स्टूडेंट्स, इनका मीनिंग है कि सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रीज होती हैं, जिनमें फ्रूट्स होते हैं, जो ट्रीज फ्रूट्स बियर करती हैं, वो हमेशा डाउन रहती है, झुकी हुई होते हैं. क्लाउड्स विदाउट वेपर आर वेरी हाई इन द स्काई. जैसे बादल जो होते हैं, जब उनमें भाप नहीं होती, वेपर्स नहीं होते, तो वो स्काई में बहुत ऊपर होते हैं. लेकिन जब उनके अंदर वेपर्स आ जाते हैं, वेपर्स बियरिंग क्लाउड्स जो होते हैं, वो अर्थ के करीब होते हैं और वो ही फिर हमें बारिश देते हैं. तो तुलसीदास जी ने इसे एक्सप्लेन किया है, बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नव ही बुद्ध विधा पाए. तो संत कबीर जी ने भी इसका एग्जाम्पल दिया बैलेंस करने के लिए. कबीरा नबे सो आपको, परको नबे न कोय, घाली तराजू तौलिए, नवे सुभारी होए. सो दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, इज दैट द मोर अ पर्सन इज पोलाइट द मोर ही विल सक्सीड. तो जो टोटल ट्रूथ है इसमें, जो सच्चाई है, वो ये है कि जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जितना विनयशील होगा, वो उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, सक्सीड होगा, अपनी लाइफ में सफलता पाएगा. अ पोलाइट मैन इन्फ्लुएंस अदर्स विद हिज अफेक्शन, परसुएसिवनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर देम. तो पोलाइट पर्सन इन्फ्लुएंस करता है दूसरे को अपने अफेक्शन से, परसुएसिवनेस से, और रिस्पेक्ट जो दूसरों के लिए उसके मन में होती है. तो पोलाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पोलाइट पर्सन हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं. पोलाइटनेस डिसिप्लिन की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कि पोलाइटनेस जिसके अंदर होगी वो डिसिप्लिन उसमें होगा, या जो डिसिप्लिन में होगा वो पोलाइट होगा. सो पोलाइटनेस गिव सेल्फ सेटिस्फेक्शन टू अ पर्सन, आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है. सम ह्यूमन वर्च्यूज लाइक जेनरोसिटी, सिंपैथी, टॉलरेंस, एंड्योरेंस, स्पिरिट टू सर्व अदर्स एक्सेट्रा आर द एम्ब्लिशमेंट्स ऑफ अ पोलाइट पर्सन. सो पर्सन हु हैव दीज क्वालिटीज आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. तो जिन लोगों में इस तरह की क्वालिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, वो सोसाइटी में हमेशा पूजे जाते हैं, रिस्पेक्ट उनको मिलती है. सो दे आर द गाइडिंग लाइट्स एंड आइडल्स इन द सोसाइटी. वो दूसरों को रोशनी दिखाने वाले आइडियल्स होते हैं. सो यू कैन फाइंड दिस थिंग्स इन द सम इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स. इसमें जो इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, उनमें से एक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक बार किंग विक्रमादित्य हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में अपने मिनिस्टर और कुछ सोल्जर्स के साथ निकले थे. तो कुछ समय हंटिंग करने के दौरान वो सारे सेपरेट हो गए एक दूसरे से. तो विक्रमादित्य ने एक ब्लाइंड सेंट को एक ट्री के नीचे बैठे हुए देखा. तो उन्होंने उनसे पूछा कि साधु महाराज, क्या आपके रास्ते से कोई यहाँ से गुजर के गया है? तो साधु ने कहा कि हाँ, सबसे पहले आपका सर्वेंट गया, उसके बाद आपकी आर्मी का कमांडर, उसके बाद जो आपका चीफ मिनिस्टर था वो गया,
तो इतनी डिटेल एक ब्लाइंड आदमी के मुंह से सुनकर विक्रमादित्य बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने पूछा कि महाराज, आप देख नहीं सकते, उसके बाद आपने सबको रिकॉग्नाइज कर लिया उनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग कि उनकी रैंक क्या होगी, तो और आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूं? तो संत ने कहा कि रिकॉग्नाइज मैंने किया कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की थी दूसरे पर्संस के लिए उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपका सर्वेंट यहां से गुजरा, उसने मुझे एड्रेस किया कि ओ ब्लाइंड मैन। फिर आपके कमांडर आए, उन्होंने मुझे सूरदास कहा। फिर आपके मिनिस्टर ने मुझे सूरदास जी कहा और आपने मुझे साधु महाराज से एड्रेस किया। तो लैंग्वेज जो होती है वो पर्सन जो यूज करता है तो उससे उसकी रैंक और प्रेस्टीज जो है वो सोसाइटी में पता चलती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। सो यू हैव टू मोर इंसिडेंट इन दिस लेसन। सो योर होमवर्क इज टू रीड ऑल द टू इंसिडेंट्स एंड अंडरस्टूड इट।